हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आभा और आपका स्वागत करती हूं होमलिशियस बाइट्स में। आज मैं बनाने जा रही हूं हैदराबाद की बहुत ही मशहूर फ्लेवरफुल रेसिपी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन दबाएं और ऐसी मजेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावरी दम बिरयानी, जो अपने आप में ही एक पूरी मील है। ज़्यादातर बिरयानी नॉन वेज होती है, लेकिन वेज बिरयानी भी काफ़ी पॉपुलर है, जिसे बनाने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मेरा बिरयानी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आज की मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने कैसे बिरयानी स्टेप बाय स्टेप बनाई, जिससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए बनाते हैं पेशावरी दम बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मैंने गोल्डन सीला चावल लिए हैं। ये वेट में 500 ग्राम है। इन्हें हम वॉश कर एक से डेढ़ घंटे के लिए भिगो देंगे। चावल मैंने भिगो दिए थे एक से डेढ़ घंटे, तो फूल कर ये इस प्रकार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ मैंने गोल्डन सीला चावल लिया था। ये एक से डेढ़ घंटा भिगोना जरूरी होता है, और बासमती चावल को इतनी देर नहीं भिगोना होता, वो आधा घंटे में भी तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें हम बॉइल्ड पानी में डाल देंगे। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, एक तेज पत्ता, जावित्री, 5 से 7 काली मिर्च और ये दालचीनी। इसको हम बॉइल्ड पानी में डाल देंगे। अब हम ये चावल अपने बॉइल्ड पानी में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसको चला देंगे अच्छे से। दोस्तों, बिरयानी बनाने के लिए चावलों को हमें 80% ही कुक करना है, जिससे हमारी बिरयानी परफेक्ट बने। देखिए, हमारे चावल कुक हो गए हैं। ये हमें 80% रखने थे, अब इसे हम छान लेते हैं। और इसमें खड़े मसाले आप चाहे तो इन्हें अलग निकाल दीजिए, वरना इसमें ही रहने दीजिए। पेशावरी दम बिरयानी के लिए मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 से 5 बारीक प्याज काटी है। ये दम बिरयानी की स्पेशलिटी है। ये मैंने चने 100 ग्राम बॉइल्ड कर लिए हैं। ये मैंने 200 ग्राम पनीर फ्राई कर, ये मैंने नमक के पानी में भिगो दिया था, इससे ये पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। 4 से 5 टमाटर की ग्रेवी बना ली है प्यूरी। 1/2 कप फ्रेंच बीन्स कट कर लिए हमने। 1 कप गाजर कट कर लिए। क्वांटिटी में 2 गाजर लिए मैंने, थोड़े से यहाँ काजू फ्राई करे हैं। ये बिरयानी मसाला है। थोड़े से बादाम फ्राई करे हैं, किशमिश। ये करते हैं बिरयानी का मसाला बनाना। यहाँ हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे घी। 1 से 2 कलची बड़ी घी डालेंगे हम। अब इसमें हम प्याज भून लेंगे। प्याज को गोल्डन होने तक हमें भूनना है। प्याज हमारी हल्की हल्की गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम डालते हैं बीन्स, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें गाजर ऐड कर देते हैं, ये भी थोड़ी थोड़ी भून लेंगे। ये हमारी प्याज गाजर बीन्स भून रही हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम बिरयानी मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको चला लेंगे अच्छे से। इसमें डालेंगे हम टमाटर पिसे हुए।
इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड चने, फ्राई किया हुआ पनीर, इनको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 स्पून दही। दही डालने से बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही यूनिक आता है। बिरयानी मसाला हमारा तैयार है। देखिए बिरयानी मसाला कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम बिरयानी को दम लगाते हैं। इसमें 1 बड़ी कलछी हमने घी लगाया है। इससे हमें सारा बर्तन चिकना कर लेना है अच्छे से। अब 1 लेयर हमें चावलों की लगानी है। गैस लो मीडियम फ्लेम पर रखनी है आपको, जिससे नीचे से हमारे चावल लगे नहीं। सारे में अच्छे से पूरी परत लगा देनी है हमें चावलों की, इस प्रकार। अब हमें मसाले की परत लगानी है। मसाले को भी हमें अच्छे से चारों तरफ तक फैलाना है। देखिए इस प्रकार हमें अच्छे से फैलाना है। अब हमें चावल की परत लगानी है। इसी प्रकार चावलों को सारे में अच्छे से फैला देंगे। अब हमने यह दूध में फूड कलर घोला हुआ था वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, उसके इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मसाला ऐड करेंगे इसमें। इसी प्रकार मसाले की परत लगा दी है। देखिए हमने कितनी अच्छी लग रही है। अब 1 परत चावल की। सारे में चावल अच्छे से बिछा दीजिए। फिर से फूड कलर ऐड किया है हमने, जिससे सारे में अच्छे से कलरफुल हमारी बिरयानी तैयार हो जाए। यहाँ डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही। दही से बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही यूनिक आता है। अब यहाँ हम 1 लेयर प्याज की लगाएंगे, जिसे मैंने कुकिंग ऑयल में ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया था। फ्राई की हुई ऑनियन डालने से बिरयानी का टेस्ट और भी डिलीशियस और यूनिक हो जाता है। अभी मैंने यह ड्राई फ्रूट भुने हुए हैं, इन्हें भी चारों तरफ बिछा देंगे। लग रही है ना बिल्कुल होटल स्टाइल बिरयानी। अब हम यहाँ ऐड करेंगे 1 कलछी घी, क्योंकि बिरयानी में घी का कमाल बहुत ही अच्छा लगता है। जब तक बिरयानी में घी ना हो तो टेस्ट नहीं आता। अब हम यहाँ ऐड करेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि नमक हमने चावल बॉईल करने में भी डाला था, इसीलिए नमक हम हल्का ही ऐड करेंगे। अब हम प्लेट से ढककर बिरयानी को आटे से सील कर देंगे। इसे हमें 10 से 12 मिनट तक पकाना है लो मीडियम फ्लेम पर। देखिए इस प्रकार आप सील कर दीजिए। दस से 12 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा सूख गया है। अब हम बिरयानी को खोलकर देखते हैं कि हमारी बिरयानी कैसी तैयार हुई है। आटे को चाकू की सहायता से हटा देंगे हम। देखिए इस प्रकार हटा देंगे। देखिए एक एक दाना मोती की तरह खिला हुआ बना है। कितनी सुंदर बिरयानी बनी है। वाह, खोलते ही कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। बिल्कुल होटल जैसी बिरयानी तैयार हुई है। देखिए एक एक चावल खिला हुआ है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हम। ये हैदराबादी पेशावरी दम बिरयानी शायद ही आपको किसी रेस्टोरेंट में मिलेगी। ये
ये बिरयानी बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग और यूनिक है। इसे आप चटनी और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैं ऑनियन के रायते के साथ और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैंने ऑनियन रायता बनाया है, आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन सैलेड लगाई है क्योंकि बिरयानी में ऑनियन, खीरा, टमाटर से बिरयानी का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। और चाट मसाला ऐड किया है। तो लीजिए दोस्तों, हैदराबाद की मशहूर पेशावरी दम बिरयानी बनकर तैयार है। बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। और अगली नई मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।